हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रचित गर्ग। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम ऐसे अल्ट्रा रिड्यूस प्रोजेक्ट पे आए हैं जिसकी बहुत टाइम से डिमांड थी। यस, यू आर राइट, वी आर एट अडानी समझारा इन सेक्टर 63A। फ्रेंड्स, ये प्रोजेक्ट बहुत ही हाई पे था बिकॉज ये जो है सेक्टर 63 गोल्फ्स रोड पे है, एक्सटेंशन रोड पे है, जो कि आज के आने वाले टाइम में एक गोल्फ्स रोड बनने वाली है। इस प्रोजेक्ट का जो मेन खासियत है, जो लोगों की रिक्वायरमेंट है, लाइक ग्रीन एरिया, ओपन एरिया, एमेनिटीज, जो कि SPR रोड पे लोग सर्च कर रहे हैं, वो सब चीज़ें आपको यहाँ मिल रही है, न्यू गोल्फ्स रोड पे मिल रही है। लाइक इसके आसपास नियर बाय इसके DLF हार्बर है एंड इसके जस्ट ऑपोजिट पूरी द अरावलीज है। एंड इफ आई टॉक अबाउट द यू नो प्रोजेक्ट नियर बाय, जैसे कि कमर्शियल हब, तो जस्ट के ऑपोजिट वर्ल्ड मार्क है। एंड कनेक्टिविटी की अगर बात करता हूँ, एडवांटेजेस की बात करता हूँ, तो मेट्रो स्टेशन इज नियर बाय, हार्डली 5 to 7 minutes की मेट्रो स्टेशन है। एंड NH8 इट्स लाइक 15 minutes। एंड इफ आई टॉक अबाउट द एयरपोर्ट, तो इट्स हार्डली टेक 25 to 30 minutes। तो फ्रेंड्स, ये इसकी खासियत है इस प्रोजेक्ट की कि ये क्यों अपने आप में इतना स्पेशल है, क्यों इतनी हाइप पे बना हुआ है, क्यों इसकी डिमांड आ रही है। आइए मैं अब आपको अंदर से अपार्टमेंट दिखाता हूँ मैं कि हाउ इट्स लुक लाइक। फ्रेंड्स, जैसे कि हम आ गए फ्लोर पे, आइए मैं आपको फ्लोर दिखाता हूँ मैं। तो जैसे मैं अपार्टमेंट में एंटर करता हूँ मैं, ऑन माय राइट हैंड साइड इट्स अ फैमिली एरिया एंड इट्स अ ह्यूज सिटिंग एरिया। जैसे आप देख सकते हैं मेरे पीछे, इसका साइज है 17x15 का साइज है, वेरी कंफर्टेबल कि यहाँ पे आराम से 8 से 10 लोग आराम से इजीली आ सकते हैं। और अगर मैं राइट हैंड साइड जाता हूँ तो इट्स अ फैमिली लॉन्च, इट्स अ वेरी गुड स्पेस यहाँ पे फैमिली की, जिसे आप बात कर सकते हैं कि आराम से बैठ के सकते हैं। एंड जस्ट मेरी बैक साइड पे डाइनिंग एरिया है, विच इज़ अ वेरी गुड वन। एंड जैसे आप देख सकते हैं, जो साइज है डाइनिंग का एंड फैमिली लॉन्च का, वो 18x24 का साइज है। So now we are moving to our first bedroom. It's a guest bedroom basically with a attached washroom, as you can see in this video. So it's a very good size. The size of this bedroom is 13x13 and with along with a balcony. So as you can see, you will get a very good view in this bedroom. It's very comfortable and along that you will get a cupboard wardrobe also. So now I'm entering into second bedroom. Again, very luxurious, बहुत ही मतलब amazing layout है इसका। इसका जो साइज है वो 13x14 का साइज है बेडरूम का। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस रूम कि यू आर गेटिंग अ वॉकिंग क्लॉजेट। इसमें आपको वॉशरूम मिलेगा अलॉन्ग विद अ वॉकिंग क्लॉजेट। एंड इफ आई टेल यू अबाउट द साइज ऑफ द वॉशरूम, इट्स 9x6। एंड इफ आई टोल यू अबाउट द साइज ऑफ द वॉकिंग क्लॉजेट, इट्स 8x6। अपार्ट फ्रॉम दिस, आई जस्ट वॉन्ट टू शो यू द बालकनी। जो बालकनी है ये इस रूम के साथ और आपका लिविंग एरिया के साथ अटैच है। एंड जस्ट हैव अ लुक, जो साइज है बालकनी का वो 29x5 का साइज है, विच इज अ वेरी स्पेशियस वन मॉर्निंग टी के लिए एंड यू नो फॉर एंजॉय द वेदर, इट्स अ वेरी गुड वन। तो अब हम आए किचन एरिया में, मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से किचन मेंटेन कर रखी है, लाइक वेरी स्पेशल किचन। इसका साइज जो है 1916 का साइज है। इसमें अडानी आपको अपर कैबिनेट, लोअर कैबिनेट, हॉब एंड चिमनी दे रहा है। इसने इस तरीके से सजा रखा है कि हाउ यू कैन मेंटेन योर किचन, कैसे आप बना सकते हैं। एंड जस्ट इसके साथ में यूटिलिटी एरिया है,
इसका साइज़ जो है वो 7x11 का साइज़ है, जिसमें साथ में आपको वॉशिंग एरिया मिलेगा एंड 7 क्वार्टर है, जिसकी एंट्री और एग्जिट आपकी यूटिलिटी एरिया से हो। So now I'm going to show you the third bedroom just next to the dining area, and as you can see we have a very huge space of this, you know, third bedroom. The size of this bedroom is 12x16 size. So matlab bahut hi acche tarike se isko banaya gaya hai, size ko acche se utilize kiya gaya hai. It's a very decent size. So now I'm going to show you the fourth room, the beautiful room of this property. Yes, we are in the master bedroom. As you can see, it's a unbelievable lovely space that I can see. जैसे आप देख सकते हैं साइज जो है इस बेडरूम का वो 13x14 का साइज है. इट्स अ वेरी गुड साइज. बेसिकली अडानी आपको दिखा रहे हैं कि आप इस रूम को कैसे मेंटेन कर सकते हैं. एज यू कैन सी इन दिस वीडियो, इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल मास्टर बेडरूम टिल नाउ आई हैव सीन इट. अगर मैं बात करूं कि ये प्रॉपर्टी क्यों स्पेशल है, क्योंकि एक तो अडानी की है एंड अडानी इज अ लिस्टेड ब्रांड. जैसे आप आएंगे इस घर में, आप रहेंगे यहाँ पे, तो विल गेट टू नो कि हाउ यू फील. एक होता है कंस्ट्रक्शन, एक होता है ट्रस्ट. तो अडानी के पास दोनों ही चीज़ें हैं. कि इसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी की बात करें एंड ट्रस्ट की बात करें, तो लोग डू ब्लाइंडली ट्रस्ट ऑन अडानी ग्रुप, बिकॉज उसका मेजरली कॉन्ट्रीब्यूशन कौन में भी है. If you want any kind of information, if you want to give any kind of suggestion, you can comment this below and you can call us on a given number below. Thank you for everyone. Have a good day.